यू तो बंगाल चुनाव सबसे बड़ा चुनाव बन चुका है। उसी बीच कई बड़े न्यूज चैनल ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं, लेकिन बंगाल के लिए किस न्यूज चैनल ने बीजेपी को करीब 200 सीटें दिखा दी हैं एग्जिट पोल के आंकड़े में, इसके आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि बंगाल के लिए 292 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब 200 प्लस सीटें किस न्यूज चैनल ने दिखा दी है? जी दोस्तों, बंगाल के लिए 292 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़ों में इंडिया टीवी ने तो बंगाल के लिए बीजेपी को करीब 173 से 192 सीटें दिखा दी है। बंगाल में बीजेपी की एक तरफा लहर दिखा दी है। भाई टीएमसी को सिर्फ 64 से 88 सीटें ही दिखाई हैं। भाई कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया टीवी ने लगाया है। यानी 292 सीटों पर बीजेपी को करीब 200 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने का एग्जिट पोल का आंकड़ा इंडिया टीवी ने दिखाया। इसके अलावा कुछ बड़े न्यूज चैनल ने और एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं, जिनमें एक्सेस माई इंडिया ने भी अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 134 से 160 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अपना एग्जिट पोल का आंकड़ा दिया है। भाई तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो 130 विधानसभा से 156 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान टीएमसी को भी लगा है। भाई लेफ्ट गठबंधन को सिर्फ 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इनके खाते में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया यानी आज तक ने लगाया है। इसके अलावा एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो एग्जिट पोल के आंकड़े लगाए इसमें बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी को यहां पर 192 से 164 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 109 से 121 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को करीब 14 से 25 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा असम के लिए अगर बात करें तो असम में भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। केरल की अगर बात करें तो केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार, तमिलनाडु में यहाँ पर कांग्रेस डीएमके की सरकार बनती नजर आ रही है। पांडुचेरी की अगर बात करें तो पांडुचेरी में बीजेपी सरकार बनती नजर आ रही है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा TV9 पोल स्टार के आंकड़ों में बीटीएमसी को सरकार बनाने के आंकड़े दिखाए गए हैं। 142 से 152 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को 125 से 135 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें तो टाइम्स नाउ सी वोटर ने 158 सीटें टीएमसी को दिखाई है, जबकि बीजेपी को 115 सीटें। इसके अलावा रिपब्लिक सीएनएक्स ने जो आंकड़े दिखाए उसने 128 से 138 सीटें टीएमसी को, बीजेपी को यहां पर सरकार बनाने का आंकड़ा जो 147 सीटें रह गया है अब उसमें अगर बीजेपी की बात करें तो 138 से 148 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और न्यूज एजेंसी ने भी अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें अगर बात करें तो TV9 पोल स्टार में यहां पर टीएमसी सरकार, टाइम्स नाउ सी वोटर के हिसाब से टीएमसी सरकार, एबीपी न्यूज अनुसार टीएमसी सरकार, रिपब्लिक भारत के हिसाब से यहां पर बात करें तो फिर बीजेपी सरकार। इसके अलावा आज तक ने भी बीजेपी के आंकड़े दिखाए हैं। इसके अलावा यहां पर इंडिया टीवी ने भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। करीब 6 से 7 जो बड़े न्यूज चैनल है इसमें 3 बड़े न्यूज चैनल ने बीजेपी सरकार, तो 3 बड़े न्यूज चैनल ने यहाँ पर टीएमसी सरकार के आंकड़े तक महा एग्जिट पोल के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये तो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े तो आपको 2 मई को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी 200 प्लस सीटें जीत पाएगी इस चुनाव के अंदर, या फिर टीएमसी हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी? इस पर अपनी राय रखिए और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।